मानव की भलाई के लिए हर आदमी अपने स्तर पर अपने ढंग से काम करने में लगा है और इसी कड़ी के अंदर पंचकुला के सेक्टर 14 में आप देख सकते हैं कि श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री श्याम परिवार है जो ट्रस्ट है, उसके माध्यम से एक अस्पताल चलाया जा रहा है। और वो अस्पताल की विशेषता ये है कि उसमें 11 रुपए में जांच की जाती है, 11 रुपए में डॉक्टर्स जांच करते हैं, उसके साथ ही 11 रुपए में ही दवाई दी जाती है। और भी जो तरह तरह के जो बीमारियां हैं उन सब का इलाज यहां किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये डॉक्टर्स को दिखाने के लिए लाइनें लगी हैं। जो भी जिसको भी कोई भी परेशानी है वो यहां पहुंचता है और यहां पहुंच करके पर्ची कटवाता है। तो जो पर्ची आम तौर पर देखने में आता है कि डॉक्टर्स के यहां 200 से 300 रुपये 500 रुपये में कटती है, और वो पर्ची यहां 11 रुपये में मात्र काटी जाती है। ये श्याम परिवार की ओर से ये ट्रस्ट जो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये दवाइयों का जो संग्रह है वो यहाँ रखा गया है। दवाई यहाँ दी जाती है और दवाई देने के बाद कहीं ना कहीं वो मरीज यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, और स्पेशलिस्ट भी एक चीज में नहीं, हर चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ मिलेगा। आप प्राइवेट अस्पतालों में जिस प्रकार से आजकल कहें कि एक लूटपाट मची है कि हजारों रुपए जहां लिए जाते हैं, वहां ये अस्पताल जो है वो 11 रुपए में इलाज करता है, और 11 रुपए के अंदर ही जो डॉक्टर देखते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैबिन्स बनाए गए हैं, अलग अलग कैबिन्स के अंदर अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ आईज के डॉक्टर बैठते हैं, ऑर्थो के डॉक्टर बैठते हैं, और MBBS डॉक्टर बैठते हैं, सारे MD डॉक्टर बैठते हैं। तो अलग अलग तरह के डॉक्टर्स यहाँ हर रोज विजिट करते हैं, और वो केवल कोई ऐसा नहीं है कि वो विदाउट मनी यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। उन डॉक्टर्स को प्रॉपर फीस दी जाती है, लेकिन जो श्याम परिवार ट्रस्ट है वो उनको फी पे करता है, लेकिन जो मरीज हैं जो उनको कहीं ना कहीं जो जांच है वो 11 रुपए में की जाती है, और जो बड़े इलाज हैं उनके ऊपर कंसेशन दिया जाता है। तो जो 3000 रुपए का बाहर इलाज होता है वो कहें तो यहाँ 600 रुपए में लगभग होता है। जो वहाँ 25000 रुपए में कहीं दवा जो दांतों का इलाज है वो जो 25000 रुपए में होता है, तो वो यहाँ की अगर बात करें तो मात्र कहें कि 11000 रुपए में, आधे से कम पैसे में इलाज हो जाता है। तो हम बात करेंगे जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ एक ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट के अंदर कितने लोग हैं, क्या उसके पीछे सोच रही रमाकांत जी हैं, उनसे बात करते हैं। रमाकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सोच रही इसको पीछे चलाने की। सोच तो ये है कि इन्होंने समाज के लिए, हमने कुछ लिया है तो समाज को कुछ देना है। जब लेते हैं तो समाज में बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे क्या करें क्या करें, तो फिर ये था कि यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्ग से और उससे से नीचे पे हैं, तो उनका स्वास्थ्य का बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए इन्होंने एक चालू किया परिवार इस ट्रस्ट से कि 11 रुपए में प्रतिदिन की दवाई दी जाएगी, चाहे दवाई 100 रुपए की हो चाहे 1000 की हो, 11 रुपए प्रतिदिन की दवाई। और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं और दे आर टॉप स्पेशलिस्ट हैं, उनको 11 रुपए की एक पर्ची बनेगी, उसमें सारा किया। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, प्रदीप जी से बात करेंगे कि जो सोच रही है कि 11 रुपए में यहाँ इलाज किया जाएगा, तो कहीं कितने मरीजों की संख्या यहाँ रहती है? डेली की संख्या जो है 300 की है, 300 की OPD डेली की है। अगर हम लैब का लगाएं तो बढ़ जाएगी संख्या। और 11 रुपए का मकसद रहा है कि बाबा की 11 को माना जाता है, 11 श्याम बाबा की एकादशी को लेके ही 11 रुपए की पर्ची का रखा गया था। यहाँ पे एक दिन की दवाई 11 रुपए की और डॉक्टर की पर्ची 11 रुपए की। और भी ट्रस्टी हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि एक सेवा भाव से कार्य शुरू किया गया है, तो क्या जो डॉक्टर्स हैं वो फीस लेते हैं या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं? नहीं, डॉक्टर को हम सैलरी पे हैं, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर ऐसा डॉक्टर नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको ले रहा हूँ। एक हमारी सोच थी कि हम कोई फ्री में नहीं करेंगे, डॉक्टर कोई फ्री में नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप उस तरीके से उन जो चिकित्सक हैं उनसे काम नहीं ले पाते, क्योंकि हमने ये काम बड़ा प्रोफेशनल तरीके से करावा। आपने देखा, हमारी एक सोच थी कि इसमें फैसिलिटी 5 स्टार की तरह फैसिलिटी होनी चाहिए एट द बॉटम प्राइस। 11 रुपए प्राइस रखा इसका, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के करीब पेशेंट हम जब से ये खोला है इसमें 2 लाख का मतलब सहकुशल पूरी परफेक्शन के साथ में उनका इलाज कर चुके हैं। तो यही सोच से इसको स्टार्ट करा था।
बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा पहले कि और भी जैसे डेंटिस्ट जो हैं वो यहाँ डेंटिस्ट का आप देख सकते हैं कि पूरी चेयर जो है वो डेंटिस्ट चेयर लगाई गई है और यहाँ इलाज होता है जो भी मरीज पहुंचता है। तो मैम कंसेशनल रेट्स में इलाज किया जाता है? सर वेरी मिनिमल चार्जेस वी डू एंड वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज होता है वैसा ही इलाज यहाँ श्याम परिवार ट्रस्ट जो है उसके माध्यम से दिया जा रहा है। काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इलाज यहाँ मिलता है। मैम आप यहाँ दिखाने के लिए आए हैं, किस तरह का इलाज मिलता है? बहुत अच्छा, मैं काफी सालों से आ रही हूँ, अच्छे डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो बहुत अच्छा है। एक कहा गया है कि 11 रुपए में इलाज किया जाता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। तो बिल्कुल और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश में, आप भी यहाँ दिखाने के लिए आए हैं? जी हाँ। क्या दिखाने के लिए? मैं अपने भाई को बीपी के तक चेक कराना है। इलाज तसल्ली से किया? मेरी मिसिज, मेरे भाभी, मेरे मदर इन लॉ सभी यहाँ से, मैडम यहाँ डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आई है यहाँ पे इलाज करवाने के लिए भी, हमें यहाँ पे पूरी तसल्ली है। और जो टेस्ट बाहर से महंगे होते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बाहर से 600 का होता है, यहाँ पे 100 रुपीज मात्रा 100 रुपए का है। तो आप देख लो, गरीब आदमी या कोई अमीर है, किसी के लिए सभी के लिए बराबर है। तो यहाँ पे जो सुविधा है शाम ट्रस्ट वालों ने कर रखी है, बहुत बढ़िया कर रखी है। मैं चाहता हूँ हर शहर हर सिटी में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की बात वो कहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा जी, कहाँ से आए? मैं सर बनूर से आया हूँ। बनूर से आए? हाँ जी। मदर को तो किस तरह का इलाज देखते हैं आप? नहीं, आज पहली बार आए सर। वैसे ठीक है, वैसे पता चला था और भी आते वैसे यहाँ बोल रहे थे बहुत अच्छा लग जाए। वैसे ना वैसे आपने सरदारों में सेवा देखी होगी, इस तरह की सेवा भी पहले देखी है? नहीं ऐसे तो नहीं, वैसे चलती रहती, वैसे देखते रहते वैसे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफी संख्या के अंदर जो लोग हैं यहाँ दिखाने के लिए पहुंचे हैं और अलग अलग तरह के कैबिन बनाए गए हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग कैबिन बनाए गए हैं और प्रॉपर जो सुविधा है वो यहाँ उनको दी जा रही है। आपको दिखाएंगे कि नीचे भी चलते हैं, एक जो नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर किस तरह का इलाज होता है और बेसमेंट के अंदर जो लेबोरेटरी है वो किस तरह से टेस्ट करती है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ अलग अलग। और एक अच्छी बात यह है कि केवल पंचकुला से नहीं, पूरे जो कह सकते हैं कि पंचकुला के आसपास जो जगह है, सब जगह से यहाँ जो मरीज पहुँचते हैं। अभी आपने देखा कि पटियाला से मरीज पहुँचे हैं, बनूड़ से मरीज पहुँचे हैं, तो अलग अलग जगह से यहाँ मरीज पहुँचते हैं और पहुँच करके अपना इलाज करवाते हैं। तो केवल पंचकुला का एरिया नहीं बल्कि पटियाला, पंजाब की बात करें तो वहाँ से आ रहे हैं, यमुनानगर से आ रहे हैं, हिमाचल से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक पैसेज, अभी आपको दिखाएंगे कैमरे की नजर से कि पूरा एक पैसेज जो है वो यहाँ बनाया गया है, एक्सरे रूम बनाया गया है। और एक्सरे रूम के अंदर जो मशीनें हैं वो बिल्कुल आधुनिक तकनीक की मशीनें यूज की गई हैं। आप देखिए कि पूरी आधुनिक तकनीक की मशीनें यहाँ इस्तेमाल की गई हैं जिनके माध्यम से इलाज किया जाता है। और वो जिस तरह से जो पेशेंट आए हुए हैं उन्होंने भी बताया कि बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के ऊपर जो है वो यहाँ इलाज किया जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो यहाँ के ट्रस्टी हैं उनसे जानते हैं कि एक्सरे मशीन किस तरह की है। आपसे जानना चाहूंगा कि एक्सरे मशीन यहाँ लेटेस्ट एक्सरे मशीन आपने बताई किस तरह की मशीन? जय श्री श्याम जी, ये हमारे पास एलेंजर की द बेस्ट मशीन है जी। अभी तक इससे बेस्ट कोई मशीन नहीं है यहाँ पे। हमने द बेस्ट मशीन से हम बेस्ट क्वालिटी लोगों को देने की कोशिश करते हैं एफोर्डेबल रेट पे, बिल्कुल सही नॉमिनल ऐसे रेट हैं हमारे। बाजार में जो बहुत ज्यादा रेट हैं हमने तो बिल्कुल चैरिटेबल रेट ऐसे रखे हुए हैं कि हर आदमी इस चीज को अफोर्ड कर सके और उसका ज्यादा से ज्यादा भला। बिल्कुल, तो आपको और दिखाते हैं कि यहाँ जिस तरह से देखिए कि यहाँ भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग दिखाने के लिए आए हैं। और यहाँ ये आई सेंटर है, ये आईज का इलाज जो है वो यहाँ होता है। अभी डॉक्टर आए नहीं है, अभी यहाँ पहुंचेंगे और पहुंच करके पूरी जो मशीनें जो हैं वो आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं और उसके साथ ही जो एक प्राइवेट अस्पताल की फीलिंग है बिल्कुल सेम फीलिंग यहाँ जब पहुंचते हैं लोग तो वो आती है और उनका इलाज किया जाता है। आपसे जानना चाहूंगा आप कहाँ से आए हैं? रायपुरा से। रायपुरा। अच्छा, रायपुरा। हाँ जी। कैसा लगता है जी यहाँ इलाज करवाने? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं? पहले भी आते? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम जी। तो सुविधा ठीक लग रही है? बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। एक कहा जा रहा है कि हर इलाज 11 रुपए में होता है जी, बिल्कुल सच है। तो यहाँ से तसल्ली बख्श लोग जाते हैं, खुश होकर के जाते हैं इलाज?
6 to 7 बेड्स बेसिकली हैं हमारे पास। खुश होकर सर आप पेशेंट से खरीद, मतलब बिल्कुल बस्तियों के अंदर जाकर भी मेडिकल कैंप लगाता है, महीने में एक बार मेडिकल कैंप लगाता है, और मेडिकल कैंप लगाने के बाद वहां के जो भी मरीज होते हैं उनको यहां बुलाया जाता है, और यहां बुला करके वही 11 रुपए के अंदर इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में अनूठी पहल पंचकुला में श्याम परिवार ट्रस्ट जो है उसकी ओर से की गई है। अब ये पहल कितनी सक्सेस साबित होती है, क्योंकि अभी 300 मरीज लगातार हर रोज यहाँ विजिट कर रहे हैं, हर रोज अपना जो दुख दर्द है, अपनी बीमारी है, उसका इलाज करवा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये और सक्सेस हो, क्योंकि जिस तरह से श्याम परिवार के ऊपर श्याम बाबा की कृपा है, उसी तरह से आम जो मरीज है उनसे भी हमने बात की है, वो भी काफी खुश नजर आए हैं। कैमरामैन सुखजिंदर के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 पंचकुला।